नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार यानी कि 24 जून को नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि मोदी का अमेरिका दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहा है। दुनिया भर के कुछ ही लोगों ने आज तक अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया है। अगर इतिहास को देखें तो नेल्सन मंडेला और विंस्टन चर्चिल ने यह किया था। आप भी सुने। जो उनके उनको जो उनसे जो मिले थॉट लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, बाईपार्टिजन यूएस कांग्रेस सेनेटर्स, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ज्वाइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस को एड्रेस किया, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हाउस स्पीकर से लेके सब ने लाइन अप करके और माननीय प्रधानमंत्री जी का ऑटोग्राफ रिक्वेस्ट की। नाउ दैट इज बोथ अ टेस्टमेंट टू हिज स्टेचर एज अ ग्लोबल लीडर, वर्ल्ड लीडर, बट इट इज मोर देन दैट। पहले तो मैं कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको अपने साथ शेयर कर लूं। मैं बहुत वर्ष पहले विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव था, अमेरिकाज डेस्क पे भी, और मैंने जो रिलेशनशिप में बदलाव आया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, वो मैंने फर्स्ट हैंड देखी है। और 2016 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, जो हुई है जनवरी 23 एज अ मेजर माइलस्टोन इन यूएस इंडिया रिलेशंस। नासा, आप नासा जानते हैं, इसरो को भी जानते हैं, टू डेवलप अ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कोऑपरेशन बाय 2023। इसका आप मायना पूरा समझ रहे हैं? अगर इसरो और नासा कोऑपरेट करेंगे स्पेस फ्लाइट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कोऑपरेशन, उसका क्या मतलब है आगे जाते। और प्रेसिडेंट बाइडेन अप्रिशिएटेड इंडिया साइनिंग ऑफ द आर्टेमिस अकॉर्ड विच विल एडवांस अ कॉमन विजन ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। देखिए, पहले हम टेक्नोलॉजी की बात करते थे, हम डिफेंस की बात करते थे, अब ये जो कटिंग एज कोऑपरेशन है स्पेस सेक्टर में। स्ट्रेटेजिक साइनिंग ऑफ एन एमओयू ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन, माइक्रोन टेक्नोलॉजी टू इन्वेस्ट अप टू 825 मिलियन टू बिल्ड अ न्यू सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी इन इंडिया। जो उनके उनको जो उनसे जो मिले थॉट लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, बाईपार्टिजन यूएस। बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए पटना में विपक्षी दलों की बैठक में, जिस पर बीजेपी ने करारा तंज कसा है, विपक्षी एकता को नए नाम पीडीए पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि ये पब्लिक दमनकारी गठबंधन है। विपक्षियों द्वारा बनाया गया है पीडीए, पब्लिक दमनकारी अलायंस। ये पब्लिक को, ये जनता को दमन करने वाला गठबंधन है, ये लुटेरों का गठबंधन है, ये घपले बाजों का गठबंधन है, ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। सिर्फ उसमें मटेरियल वही है, सिर्फ बोतल को रिफाइन किया गया है, जिससे बनाया गया है पीडीए, पब्लिक दमनकारी गठबंधन, जिसके मुख्य संयोजक बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं और भ्रष्टाचारी सम्राट श्री लालू प्रसाद इसके संरक्षक हैं और इसके दुल्हा श्री कांग्रेस के सुपरस्टार राहुल गांधी जी हैं, जो सबके आदेश देने वाले। विपक्षियों द्वारा बनाया गया है पीडीए। बीजेपी के 25 जून आपातकाल को काला दिवस मनाने को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आपातकाल पर बीजेपी और आरएसएस के नेता झूठ बोलना बंद करें,
झूठ बोलने से उस समय उनके द्वारा बाहरी ताकतों के इशारे पर लोकतंत्र को कमजोर करने के काले कारनामे छपने वाले नहीं है। देश की जनता ने आपातकाल के बाद 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को पुनः 353 सीटें देकर अपना भरोसा कांग्रेस और गांधी परिवार पर जताया था। काल को लेकर जिस तरीके से भाजपा और आरएसएस के नेता अपना रोना रोते हैं और तमाशा करते हैं, उससे ये पता चलता है कि वो देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। आपातकाल के बाद 1980 के चुनाव में इस देश के जनमानस ने कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी को 353 लोकसभा सीटें देकर अपना अपार जन समर्थन दिया, और उसी जनता पार्टी को जिसको उन्होंने 1977 में सत्ता में बिठाया था, उनको 1980 के चुनाव में 31 सीटें मात्र देकर ये जता दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी का निर्णय उचित था, उस समय देश के हित में था, क्योंकि वही तत्कालीन जनसंघ और आरएसएस के नेता बाहरी ताकतों के इशारे पर देश को कमजोर करने का कुछ इस प्रकार प्रयास कर रहे थे। उस समय लौह पुरुष और दुर्गा के नाम से विख्यात श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस तरह कठोर निर्णय लिया जिस तरीके से उन्होंने 1969 में देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके देश के आम आदमी के लिए बैंकों के दरवाजे खोले। असम में बाढ़ से हालात भयावह हैं। राज्य के विभिन्न जिलों के करीब 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा से बातचीत की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार इस कठिन समय में हमेशा असम के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। Situation today morning, Union Home Minister called me, inquired about the flood situation of Assam. He says that NDRF has been kept on standby. For any emergency, Government of India is there. So he said that I have instructed everybody to offer full support to Assam government in relief and rescue. Situation or relief and rescue mission. I told Union Home Minister that so far. दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन मांग रही आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस को तीसरी बार राहुल गांधी को नेता तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, लेफ्ट हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सब एक दूसरे के खिलाफ राज्य के स्तर पर चुनाव लड़ते हैं। जब आप एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ोगे तो जाहिर सी बात है आप एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाओगे, आप एक दूसरे को चुभने वाली बातें भी कहोगे। मगर अगर आप बड़े स्तर पर कुछ कॉमन ग्राउंड्स पे एक साथ आने की बात करोगे तो आपको पुरानी बातें तो भूलनी पड़ेंगी। अब ये कहना कि साहब आपकी एक प्रवक्ता ने ये कह दिया, तो भाई कांग्रेस के भी बहुत सारे प्रवक्ताओं ने कोई जो है लिहाज तो नहीं रखा, वो तो रोज़ सीधा अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करते हैं, रोज़ ही करते हैं। तो इस तरीके से नहीं होगा, आपको थोड़ा बड़ा दिल रखना पड़ेगा, अपने अहम को थोड़ा पीछे छोड़ना पड़ेगा। और ये मैं सबके लिए। देश भर में मॉनसून ने असर दिखाना शुरू कर दिया। दिल्ली और मुंबई में इस समय झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई और दिल्ली में एक साथ रविवार यानी कि 25 जून को मॉनसून का दौर शुरू हो गया। भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के वर्ली में कोस्टल रोड का दौरा किया। सीएम एकनाथ ने यहाँ की स्थिति का निरीक्षण किया और जलभराव के कारणों के बारे में जानकारी ली है। मैंने सरप्राइज विजिट की हुई है, कोस्टल हाईवे पर गया था, वहाँ दो स्पॉट मैंने देखे। ये मिलन सबवे है, या थोड़ी भी बारिश होती है तो यातायात रुक जाती, ट्रैफिक जाम होती, लेकिन 70 mm बारिश एक घंटे में गिरने के बावजूद आज यहाँ पर ट्रैफिक आप देख रहे हैं स्मूथ शुरू है।
और इसका मतलब क्या है, यहाँ जो पानी जमा होता है वो पानी पंप करके इस बाजू के नाले में पाइपलाइन द्वारा स्टोरेज टैंक में जाता है और वहां से वो समुन्द्र में जाता है। जब हाईटाइड होता है तो पानी बैक नहीं मारना चाहिए, इसलिए फ्लड गेट भी लगाए हैं और ये सिस्टम बराबर कार्यरत है। ऐसी सिस्टम पूरे मुंबई में लगाने की सूचना ऑलरेडी पहले दे दी है और हमारे सभी अधिकारी ऑन फील्ड है। सब अधिकारी से मैं बार बार लगातार बात कर रहा हूँ, कमिश्नर है, जहल है और वेलारसू है, और मैं खुद ही ये जहाँ जहाँ बारिश होता है ज्यादा वहाँ के क्या सिचुएशन है, वहाँ के क्या हालात है, इसका जायजा मैं खुद ले रहा हूँ। मैंने गुजरात में बीते कुछ दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। भारी बारिश के कारण खेड़ा जिले के नादियाद इलाके में भी जलभराव हो गया। बताते चले कि नादियाद इलाके में शनिवार को एक कॉलेज बस बाईपास में फंस गई। हालांकि स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बस में सवार सभी छात्रों को बचाया गया। बताते चले कि गुजरात में हाल ही में आए चक्रवाती तूफान विपरजॉय से 8 जिलों सहित कई इलाकों में तेज हवा और बारिश की मार झेलनी पड़ी है। चक्रवाती तूफान विपरजॉय के कारण हुई बारिश ने कृषि को नुकसान पहुंचाया है। वहीं गुजरात में आधिकारिक मानसून कब शुरू होगा इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में कुछ इलाकों में सामान्य बारिश होने के आसार जताए गए हैं। आमतौर पर गुजरात में मानसून 15 जून से शुरू हो जाता है। मानसून ने दस्तक दे दी है। 3 दिन पहले यानी बीती रात से देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रिमझिम बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार बारिश की वजह से रविवार को लोग सुबह के समय घर से बाहर निकल नहीं पाए। मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले घर में ही बारिश रुकने का इंतजार करते रहे। हालांकि बारिश का सीधा असर ये हुआ कि लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। दूसरी तरफ दिल्ली में कई स्थानों पर जलभराव की समस्या भी देखी गई। भारत मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। खास बात यह है कि बीती रात से पूरे दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। साउथ ईस्ट मॉनसून अभी सक्रिय है और पास्ट 24 आवर्स में स्पेशली सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया, वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में बारिश अच्छा हुई है और साउथ ईस्ट मॉनसून पूरी महाराष्ट्र कवर कर चुके हैं इंक्लूडिंग मुंबई। इसके साथ साथ एंटायर मध्य प्रदेश, एंटायर उत्तर प्रदेश भी मानसून आ चुके हैं, दिल्ली भी मानसून आ चुके हैं, हरियाणा के कुछ हिस्सा, गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सा में मानसून आ चुके हैं और आज पंजाब और जम्मू का भी मानसून कुछ हिस्सा में आ चुके हैं। हमारा ये पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिन में मानसून और आगे बढ़ेगा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के और कुछ हिस्सा में मानसून प्रवेश करेगा। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 5 सेंटीमीटर रेनफॉल मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया है और वाइड स्प्रेड बारिश हो रहा है। इसके एनसीआर रीजन में बारिश हो रहा है और अगले 2 दिन जोधपुर में बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान के तहत जोधपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। एक पत्रकार वार्ता में त्रिवेदी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाएगी, वहीं लोकसभा चुनावों में भी यहां की सभी सीटों पर बीजेपी का परचम लहराएगा। प्रतिशत को बरकरार रखे हुए हैं, ठीक है, कांग्रेस को जेडीएस का 5% वोट ट्रांसफर हो गया इसके वजह से, पर जहां वो हारे हैं वहां क्या है, गुजरात हारे, आधा परसेंट पे आ गया, हाफ हो गया परसेंटेज ऑफ वोट। 32 सीटें ऐसी थी जो आजादी के बाद से कभी नहीं हारे, उसमें 17 हार गए। उत्तर प्रदेश वो हारे, सारी सीटों पर जमानत जब्त, ऑलमोस्ट सारी सीटों पर जमानत जब्त। आज एक विधायक, एक सांसद, मतलब वो राज्य जो कहा जाता था गांधी नेहरू परिवार का गढ़ है, वहां आज उतनी भी मैं नहीं है मैखाने में जितनी छोड़ दिया करते थे पैमाने में। और आप देखिए, दिल्ली 2-2 बार शून्य शून्य, यानी लोकसभा में भी शून्य, विधानसभा हम जो हारे हैं, वेस्ट बंगाल शून्य, ये वो हार है जो राजनीति में होती रहती है। वो जो हार है वो जनता के द्वारा दिया गया दंड और वो बर्बादी है, इसलिए
बिहार में शुक्रवार को आयोजित विपक्षी एकता की बैठक के बाद ऐसी चर्चाएं थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नाराज चल रहे हैं, मगर इन कयासों पर बिहार के डिप्टी सीएम ने पूर्ण विराम लगा दिया। तेजस्वी यादव ने शनिवार को पटना से दिल्ली के लिए रवाना होने के क्रम में एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्षी नेताओं की बैठक में केजरीवाल की नाराजगी और कांग्रेस से दूरी पर पूछे सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की बैठक में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के नेता मौजूद रहे, हमने फासीवादी ताकतों के खिलाफ एकजुट रहने का फैसला किया है। और बिहार की धरती पर बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन किए जिससे परिवर्तन, चाहे चंपारण में जो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किया या इमरजेंसी के खिलाफ जेपी जी का जो मूवमेंट था, वो हर एक देश को एक दिशा दिखाने का तो उसी तरीके का ये धरती रहा। और यहाँ पटना में इतनी बड़ी बैठक हुई, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी बड़े नेता सब लोग उपस्थित रहे। मुरादाबाद की बिलारी से खबर है। दरअसल नगर पालिका परिषद बिलारी में धांधली में एक जेई लिप्त पाया गया। बताते चले कि नगर पालिका परिषद बिलारी में 54,39,000 रुपए की धांधली में जेई लिप्त पाया गया है, जिसके खिलाफ अब विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर लगातार जारी है। बता दें कि 25,000 के इनामी की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक बार फिर से गरजा है। जी हां, लगातार गोरखपुर में माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, उन्हें जमींदोज किया जा रहा है। गोरखपुर में लगातार पिछले 2 हफ्तों से पुलिस और प्रशासन का बुलडोजर बरस रहा है और आज भी गोरखपुर में एक 25,000 के इनामिया माफिया की अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। जनपद गोरखपुर के अजय के गैंग के सदस्य हैं, उनके भाई संजय उपाध्याय द्वारा यहाँ पे सरकारी जमीन, करोड़ों की सरकारी जमीन, उस पर कब्जा किया गया था। उस सरकारी जमीन को आज GDA द्वारा बुलडोजर चला के मुक्त किया जा रहा है। उसके साथ साथ इस पर बिना नक्शे का मकान जो बना था उसको भी ध्वस्त किया जा रहा है। इस पर 25,000 रुपये का इनाम भी है और ये फरार है। इस पर रंगदारी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का कई मुकदमे इस पर दर्ज हैं। उसके साथ साथ पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पे माफिया विनोद उपाध्याय का भी जो बिना नक्शे के और सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके आवास जो बनाया गया था उसको भी ध्वस्त किया गया था। उसी अनुसार इसमें संजय उपाध्याय ने बिना मानते स्वीकार कराए हुए GDA से अवैध निर्माण किया है और लगभग ये 450 स्क्वायर मीटर के भूखंड क्षेत्र पर निर्माण किया गया है। एक मंजिला निर्माण है ये, जिसका कवर एरिया लगभग 200 स्क्वायर मीटर है और इसकी कुल लागत लगभग 2 करोड़ रुपये हैगी। और इन लोगों को हमने 19 मार्च 2021 को एक नोटिस शामिल कराया गया था और इनको पर्याप्त समुचित अवसर दिया गया था सुनवाई का और इनके विरुद्ध 20 मई 2021 को हमने दुष्टिकरण आदेश पारित किया, जिसका क्रियान्वयन आज हम लोग कर रहे हैं। तो कितने की संपत्ति हुई है ये? लगभग 2 करोड़ रुपए की मैं इसकी संपत्ति की हूँ। बुलंदशहर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक बेटा ही अपने पिता का हत्यारा निकला। दरअसल भोला सिंह अपनी पुश्तैनी जमीन बेच रहे थे और जमीन का पैसा अपने बेटे को नहीं दे रहे थे, जिससे दुखी होकर बेटे ने अपने ही पिता की सुपारी दे दी। हालांकि जब पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली कि बेटा ही अपने पिता का हत्यारा है, तो पुलिस ने तत्काल प्रभाव से आरोपी बेटे सहित आरोपी के साथ मिले 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस को आला कत्ल, तमंचा, 2 कारतूस और खोखा बरामद हुआ है और अब पुलिस की पूछताछ आरोपियों से जारी है। वह सर्कल सियाना की विभिन्न टीमों को घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिसके क्रम में आज 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस संबंध में जानकारी करने पर यह बात निकल के आई कि मृतक जो भोली सिंह है, उन्होंने अपनी कुछ संपत्ति बेची थी। इनके 3 लड़के हैं और जो इनका मझला लड़का है बीच का, जिसका कि नाम नरेंद्र है, इसने इस पूरी घटना की प्लानिंग की थी। जो संपत्ति भोली सिंह ने बेची थी उससे आए पैसे
इसे नहीं प्राप्त हुए थे और इसे ये लग रहा था कि इसके पिताजी पूरी की पूरी संपत्ति बेच देंगे और इसके पास कुछ भी नहीं आएगा। इससे क्षुब्ध होकर इसने इस पूरी घटना की प्लानिंग करी। इसने अपने एक साथी लोकेश से संपर्क किया जो कि एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। उस लोकेश ने अपने एक रिश्तेदार से जो कि दिल्ली का रहने वाला है उससे संपर्क किया और उसे इस घटना को करने के लिए। रायबरेली में गिरोहबंद निवारण अधिनियम के तहत गैंगस्टर आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां अपराध से अर्जित लगभग 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पुलिस ने कुर्क कर ली है। मामला शिवगढ़ थाना इलाके का है। यहां रहने वाले सुरेंद्र सिंह के खिलाफ शहर कोतवाली में गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई है। देखिए, आज सुरेंद्र सिंह नाम का एक अभियुक्त है जो मूल केस 12/23 जिसमें गवाहों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण हत्या के केस में गवाहों को धमकाने का मामला दर्ज हुआ था उसमें वो अभियुक्त था। उसके आधार पे उसका गैंगस्टर बनाया गया और मुकदमा अपराध संख्या 223/23 में उसका आज उसकी प्रॉपर्टी जो 3 प्रॉपर्टी हैं उसका मकान 2 मंजिला मकान उसका एक स्कूल है और उसकी राइस मिल तीनों को कुर्क किया गया है जिसकी टोटल वैल्यू 6,15,27,000 रुपये की है। न्यायालय जिलाधिकारी रायबरेली महोदया के आदेशानुसार गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत ये संपत्ति जो सुरेंद्र सिंह पुत्र राजकिशोर सिंह निवासी ग्राम शिवगढ़ की है उसको कुर्क करने का आदेश हुआ है। उसी आदेश के अनुपालन में हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और उस आदेश का अनुपालन किया जा रहा है। सर, क्या क्या कुर्क किया गया? इसमें 2015 में जो इनका मकान है उसमें नया निर्माण हुआ है उसको कुर्क किया जाना है। एक इनका स्कूल है घुरावा में उसको किया जाना है और ये राइस मिल जहां आप हैं मौजूद इसको भी कुर्क कर लिया गया है। अनुमानित लागत कितनी होगी सर? अनुमानित लागत है करीब 6,15,37,000। यूपी के मुरादाबाद से खबर है। बताते चले कि विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठियां चल गई। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसका वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया जो कि अब वायरल हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।